श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का श्लोक 21 दिखते हैं। पहला चरण पुरुष जो है उस पे थोड़ा श श में अ की मात्रा, इसके बाद में विसर्ग, विसर्ग को पढ़ेंगे ह, पुरुष प्र, प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, प्र उसके बाद में क्रि। देखिए कई लोग हम प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति होता है, प्र और क्रि में आप चेक करो दोनों में मात्रा अलग अलग है। प्र में र पूरा है, प आधा है और क्रि में क आधा है और री से ऋषि की मात्रा है। तो प्रकृतिस थो, ये एक ही शब्द है इसलिए बीच में डैश लगाया है, सिर्फ आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है इसलिए थो को अलग लिखा है। प्रकृतिस थो ही छोटी मात्रा, लंबा नहीं खींचेंगे। पहला चरण वापस से पुरुष प्रकृतिस्थो ही। दूसरा चरण भू, भू के बाद में अनंग, अनंग का मतलब होता है भू पे एक बिंदी लगाएगा भुंक, आधा क भुंक, आधा न इस तरह से बोला जाएगा क्योंकि शब्द के पहले अक्षर पर है इसलिए भुंकते, भुंकते प्रकृति। पहले चरण में देखा है प्रकृति पढ़ना है, जान जा पूरा न आधा जान, गुणान अण अण का उच्चारण न जैसा नहीं करना, कहीं लोग गुना ऐसे पढ़ते, गुणान। दूसरा चरण वापस भुंगते प्रकृति जान गुणान, पहला और दूसरा चरण साथ में पुरुष प्रकृतिस्थो ही, भुंगते प्रकृति जान गुणान, और भुंगते नहीं करना है भुंक, भुंकते क भुंगते। तीसरा चरण कारण, शब्द पुराने के बाद पे बिंदी, कारणम गुण, स के बाद वापस अनंग, स पे बिंदी लगाएगा संगोस य, संगोस य, य अलग इसलिए लिखा है कि आप य में अ मिक्स करें। तीसरा चरण वापस से कारणम गुण संगोस्य। चौथा चरण बहुत ध्यान से सुनना, क्यों ध्यान से बोला गया है, एक सदा है और एक सद है। ध्यान से पहला शब्द जो है वो सद पूरे पूरे दोनों में अमिक्स करना है सद, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो है सद, द आधा स पूरा, सद सद योनि जन्मसु, ज के साथ आधा न जन म पूरा म में अमिक्स करेंगे जन्मसु, जन्मसु डैश लगा रखा है मतलब शब्द एक ही है ये, सिर्फ आपको तोड़ तोड़ के इसलिए कि आपको इस क्विज के साथ पढ़ना है। चौथा और तीसरा चरण साथ में कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। चौथा चरण सभी ध्यान से सुन ले क्योंकि जब आप बोले उच्चारण तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपस पूरे श्लोक का उच्चारण पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, भुंते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। एक बार वापस पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, भुंते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। इसमें संगोस जो लिखा हुआ है ये स्य के पहले यहाँ पर एक अवग्रह आएगा, आप बोलते हुए भी उच्चारण करते हुए आपको लग जाएगा संगोस्य, गो को अपन खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ अवग्रह है इसमें नहीं है, आप इसमें ऐड कर लें। अभी इसका अर्थ देखते हैं पुरुषः, पुरुष प्रकृतिस्थो यानी प्रकृति में स्थित, ही भुंगते भोक्ता बनता है। आज हमने साधक संजीवनी की चर्चा में भी इस बात को देखा कि वह कैसे भोक्ता बनता है, कि क्या बात बोली इसमें, और प्रकृति जान गुण मतलब प्रकृति से जो उत्पन्न गुण है उनका भोक्ता बनता है।
क्या बोला कि जो प्रकृति में ही स्थित यानी प्रकृति में रहने वाला पुरुष माने हम जीव इस प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का भोक्ता बनता है। किसमें रहता है पुरुष? हम किसमें रहते हैं? प्रकृति में। और प्रकृति से ही गुण उत्पन्न होते हैं, उन गुणों के अनुसार उसका भोक्ता मतलब भोगने वाला बनता है। कारणम गुण कारणम कारण बनता है, गुण संगोस्य गुणों का संग, सदस्योनि जन्मसु सदस्योनि जन्मसु यानी उसका दूसरी योनियों में सत और असत यानी ऊपर और नीचे वाली योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। हम गुणों के बारे में 17वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, 14वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि जितना आप गुणों का संग करते हो, अपने आप में उन चीजों को मानते हो, मतलब सात्विकी का आपको रहेगा, राजसी है, तामसी है, अगर इन गुणों के साथ अगर अपना संग बनता जाएगा तो हम उनके कारण होने वाले प्रभावों का भोक्ता बनेंगे, मतलब हमको उसको भोगना पड़ेगा। और भोगने के लिए ही हमारा हमारे कर्मों के अनुसार ऊपर यानी ऊंच और नीच योनियों में जन्म होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रकृति और यहाँ पर उत्पन्न ये जीव कुछ भी हमारा अपना नहीं है, इसलिए हमें गुणों से संग नहीं करना चाहिए। यही चीज हमको बोली जाती है क्योंकि गुणों को अपना मानने से मतलब इस सब प्रकृति को अपना मानने से बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।